पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा आघात। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं जिला कलेक्टर को सौंपा। यूनियन के जिला अध्यक्ष संजय पुरोहित के अनुसार मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर जिस प्रकार पत्रकार अर्णव गोस्वामी से पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यवहार किया गया वह किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। हम इसकी घोर निंदा और कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। उक्त कृत्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा आघात है। जिला अध्यक्ष संजय पुरोहित, जिला सचिव उपाध्यक्ष दीपक बेलानी, मीडिया प्रभारी सह सचिव आदि ने महाराष्ट्र सरकार के कृत्य की बड़ी आलोचना करते हुए अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग की तथा इस पूरे प्रकरण में त्वरित और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट उज्जैन इकाई द्वारा अर्णव गोस्वामी को बिना किसी कारण के महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है और समाज के जो चौथे स्तंभ पत्रकार जगत को जो अन्यायपूर्ण और द्वेषपूर्ण राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई के रूप में गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई की गई है उसके विरोध में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में क्या है गया कि समाज हित को देखते हुए पत्रकार अर्णव गोस्वामी को शीघ्र रिहा किया जाए। अर्णव गोस्वामी जी जो सच्चे पत्रकार हैं, दबंग पत्रकार हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार में जिस प्रकार से उनके ऊपर झूठी धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया उसके कारण पूरा पत्रकार जगत को हाथ पोछी है और हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हम एमपी की जो हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके नेतृत्व में हम आज उज्जैन इकाई ने यहाँ विरोध किया, जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि उनको रिहाई की जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और अगर रिहा नहीं करेंगे तो इस आंदोलन को हम भोपाल में, उज्जैन, इंदौर, देवास, नागदा सभी जाकर भोपाल में बड़ा आंदोलन करें।